हेलो भाई, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। और अभी हूँ मैं जस्ट भृगु मंदिर, देख सकते हैं आप, बैक में लगा हुआ है मेला टाइप का, ठीक है, भृगु मंदिर। और यहाँ पे आज के दिन क्या होता है सब कुछ आपको दिखाते हैं। चलिए पहले भृगु मंदिर का दर्शन करते हैं, उसके बाद हम मेले का सैर करेंगे कि क्या कुछ महाशिवरात्रि के दिन नाइट में होता है, ठीक है। सो आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। जैसे आप लोग महेंद्रनाथ का वीडियो देखे सेम वैसे ही इसको भी सपोर्ट कीजिएगा। चलते हैं हम नेट अंदर और दिखाते हैं कुछ खास, उसके बाद दिखाएंगे यहाँ का जलवा क्या है और किस किस प्रकार का डीजे लगा है, कौन कौन से डीजे यहाँ पे आई है, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में मिलेगा। और कितने लोग, मतलब यहाँ पे काफ़ी उत्साह भरा यार दिन होता है, आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में किस प्रकार से। सो आप ब्लॉग में अंदर जुड़िएगा। बैक कैमरा यूज करते हैं, चलते हैं भृगु मंदिर में और दिखाते हैं कुछ खास। देखिए यहाँ से ये इधर जाएंगे ना तो 500 मीटर या 600 मीटर बलिया रेलवे स्टेशन पड़ेगा और इस साइड बैरिया पड़ेगा, ठीक है। और यहीं चलेंगे हम डायरेक्ट भृगु मंदिर, और भृगु मंदिर जाने के बाद हम दिखा पाएंगे आपको कि क्या कुछ है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि नया नया अभी मंदिर का, मतलब ना पहले यहाँ पे कुछ स्थिति अलग था, लेकिन अभी डेट में आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा मंदिर का स्थिति चेंज हो चुका है, ठीक है। अभी देखिए लाइट रंग बिरंगी लगी हुई है और चलते हैं, देखते हैं। दो भाई और मेरे साथ आए हैं जो कि आगे की तरफ चले गए, यहाँ पे कुछ फूल माला की परी खिलौना एंड गिफ्ट हाउस, इस प्रकार से कुछ एक दुकान है, ठीक है। और दुकान है, एक और दुकान है यहाँ पे, ये मतलब फूल प्रसाद की दुकान है। और यहीं से 20 मीटर आगे जाएंगे तो बाबा की मंदिर टेंपल का दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पे सामने एक सीसीटीवी कैमरे का मतलब फोकस बनाया हुआ है, जिससे कि निगरानी रखा जाता है कि यहाँ पे कोई अनहोनी ना हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फूल माला से लेकर और भी कुछ वस्तुएँ हैं जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा इस वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि नारियल और फूल और माला, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से लोग एंट्री करते हैं नाइट के समय में, चूंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है, आपको हम दिखा पा रहे होंगे वीडियो में। यहाँ से अगर आप आइट साइड जाते हैं, अगर ईस्ट साइड जाते हैं, तो ईस्ट साइड जाने के बाद देखिए ये जो लोकेशन आपको दिख रही होगी वीडियो में, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि शादी विवाह से पहले लोग देखा सुनी करते हैं ना, तो ये मैरिज टाइप का हॉल है, ठीक है। यहाँ पे लोग देखा सुनी का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एक गेट लगा हुआ है यहीं से, ठीक है। तो ये सब लोकेशन आपको दिखाने के बाद हम लेकर चलेंगे डायरेक्ट उस मेले में जो कि महाशिवरात्रि के दिन लगता है। तो सोचे कि आपको भृगु मंदिर का कुछ आइड साइड का दृश्य दिखाना उचित, ठीक। आ गए हैं मेन गेट पे और वहाँ पे देख सकते हैं कि पुरुष प्रवेश द्वार, ठीक है। यहाँ पे आप सीसीटीवी कैमरे के नज़र में है, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, इस प्रकार से कुछ इसका इंग्लिश स्पीकिंग होता है। तो चलिए आ गए हैं अंदर और देख सकते हैं कि अंदर का माहौल कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। देख सकते हैं कितना भव्य तरीके से मंदिर का रचना किया गया है और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आए होंगे क्योंकि दिन में, क्योंकि हम नाइट के समय में आए हैं, 9 बज रहा है अभी नाइट के, ठीक है। और यहाँ पे एक बिटू भाई है मेरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सर्च मरवा रहे हैं, ठीक है। और बरमुंडा है मेरा कैमरा मैन, वो भी है यहाँ पे, ठीक है। और देख सकते हैं वही है भृगु मंदिर जी, वहाँ पे थोड़ा हम आपको जूम दिखा दें, भृगु बाबा वही है। और उसके बाद यहाँ से देखिए इस साइड भी कुछ स्थल ऐसी है जिसको पूजन किया जाता है, इस दिन को पूजन किया जाता है, सभी स्थलों का पूजन किया जाता है। तो हम इसी प्रकार से आपको दिखाएंगे ब्लॉग में, अंत तक जुड़े रहिएगा। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है। अभी आप जुड़े रहिएगा, देखिए इस प्रकार से है यहाँ का कुछ दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा वीडियो में। और कैसा लगा वीडियो ये बताइएगा थोड़ा। यहाँ के बाद हम डायरेक्ट चलेंगे, आपको कुछ आप लोग सीन भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम आपको वो सीन दिखा रहे हैं जहाँ पे कि लोग काफ़ी अच्छे से मतलब नाच गा रहे हैं और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है हर एक महाशिवरात्रि के दिन, ठीक है। सीन यहीं तक ही रहने दीजिए, उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा डीजे की दुनिया में मस्ती, जो कि लोग मतलब नाचते गाते हैं ना, वो सीन थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद क्लिप को ख़त्म करेंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो जा चुकी है, ठीक है। ओ भाई साहब, देखिए कितना ऊपर तक यार बॉक्स लगाए हैं यार, काफ़ी ज़्यादा। देखिए यहाँ से आते हैं इस साइड और दिखाते हैं कुछ खास नज़ारा, ठीक है, क्योंकि इधर काफ़ी लोग झूम उठे हैं इस डीजे की दुनिया में। और साथ साथ हमारे दो भाई भी हैं साथ में, वो भी झूमेंगे अभी जा करके। देखिए यहाँ पे कितने बॉक्स और लाइट लगी हुई है रंग बिरंगी, और लोग झूम उठे हैं इस माहौल में, ठीक है। देख पा रहे होंगे कितनी भीड़ है यार, हर एक महाशिवरात्रि दिन इस प्रकार से कुछ माहौल रहता है। भाई साहब चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, कहीं और जाकर दिखाते हैं आपको कुछ और। बाय बाय।